अलार्म? घबराओ मत, सब कुछ नियंत्रण में है। मैं थोड़ी देर के लिए बुनाई छोड़ दूंगी, दादी बचाव के लिए आ रही है। अलार्म? कितनी गलत समय पर, मेरे पास टावर खत्म करने का समय भी नहीं। ठीक है, मैं बाद में इस पर वापस आऊंगा, अब अन्य महत्वपूर्ण काम करने हैं। मैं आ रहा हूँ। अलार्म? इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं अपना केक बाद में खत्म करूंगी या मैं एक नया बेक करूंगी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, कोई मदद करो, मुझे तुरंत मदद की जरूरत है। जेस, रो मत, दादी यहाँ है, मुझे भूख लगी है। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है, यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा, कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में, इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, यह बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही, आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है, अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है, मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है, मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर, मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह झींगा, मैं इसे खाना चाहूंगी, ये स्वादिष्ट लग रहा है, इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है पर कोई खास नहीं। ओह यह बहुत चीज है, मुझे वह पसंद है, लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है, आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह यह गम है, कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ, विजेता स्पष्ट है। और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह मैंने ये किया। मैं अगले डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग, यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड तुम बहुत बुद्धू हो, हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह यह क्या हो रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला, ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह क्या खुशबू है। ओह बिल्कुल सही भुना हुआ।
इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह कितना तीखा है, बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? ओह कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रस्ट निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे मैंने अभी तक नहीं किया है, मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है, यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह क्या क्रस्ट है, मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, यह सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड, तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी, तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा, एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है, बस प्यारा। वाह खीरे इतने क्रंची है। ओह मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई, वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जैस खुश हो जाएगी, तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जैस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी, यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस हम सब तैयार है, अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वहाँ हवे कितने अलग है, वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है, मुझे ये पसंद नहीं है। और ये सामान मुझे डरा रहा है, इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह मेरा नाम यहाँ लिखा गया है, कितना प्यारा है। हाँ स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया, बढ़िया। यह ड्रिंक जीत गया, मुझे और चाहिए। ओ मैं फिर से, वाह क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी, इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए।
ठीक, एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ, हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं बिस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है, यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है, यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला लेकिन यह भी और भी प्यारा है, मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है ठीक है, मैं अपने केक को तैयार करता हूँ, यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केक क्या करती है? केक फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो, चलो देखती हूँ जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कार्मेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी, मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कार्मेल को पानी से भरे गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार, डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है, मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह यह वास्तव में बहुत अच्छा है केक। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ, ये बहुत प्यारा है लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, ये एकदम सही है। पता नहीं ये बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है, स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है, मुझे इसे तुरंत अपने मुँह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे, वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है, वाह, और यह काम करता है, यह स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है, सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था, धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है, मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान, मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत, चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे, अच्छा ठीक है मेरी पोती, तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह यह निकल क्यों नहीं रहा है, बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। हेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है, मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला।
अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख क्या हो रहा है। ओह कितना गर्म। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ, मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहां से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना। कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं? बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। आह, बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा।
वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये, मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है। और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती। और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेट, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो ना। मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो। ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। नहीं, अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। कहाँ से शुरू करूँ? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ।
सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है, इस तरह से। देखो ये अच्छा से हो गया है आटा। पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह, बेसक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। ये इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम, पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ, सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं। बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह, मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है। हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। तड़ाम, सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों है? नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। यह खराब लग रहा है। वाह, लेकिन यह दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो यह चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब यह लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है। एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। आह, मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी। देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी। नहीं, तुम मुझे सिखाओगी। क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया। तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है। मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है। मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया। देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं। मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या, मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उप्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओ, मुझे भी मैदा चाहिए।
ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है। और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग, तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए? जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो। पहले मैं आंख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होंठ और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक्स ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है। और बेटी के पैनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जेस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है। तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीच के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है। और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चख कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो, इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। ए, मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। यह खाना पकाने का समय है। मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल। यह बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है। हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए उज्जवल केक होगा। यह बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैसे सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी, मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी, जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी, कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब यह सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है।
एक महत्वपूर्ण डिटेल, अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ, केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप, इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है, परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी, बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी, उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे दादी कहाँ गई? क्या कहाँ कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है, बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी ये केक चाहिए, मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है, रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केक, तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात, मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह कितना मीठा है, ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है, कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह ये कितना सुंदर लग रहा है, मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा रसदार, बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ, मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ, स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है, मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है, मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा। ओह चलो तुम मेरी चापलूसी करो, अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ। किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए, मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है, मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी, सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ, तुम अपनी उंगलियाँ चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है, बस मुझे बीज निकालना होगा, उसे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन है, और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है, वे बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा, और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितनी उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी, बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे, यह बेकार है, मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट, अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है, क्या यह प्याज है? नहीं यह जरूरी नहीं है। टमाटर, लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो यह बेस्वाद होगा। अब शायद यह ठीक है, हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है, इन्हें हटाना होगा। ठीक है अब यह ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। इसके साथ कुछ गड़बड़ है, यह
बहुत ज्यादा है। ओ चलो, अगर इस तरह से रखे तो यह भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी। ओ, मेरा बर्गर कहाँ है? बढ़िया, हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है, हमने इसे प्लेट पर रखा, बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया, इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है, मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटे हुए सब्जियां तैयार है, एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां, और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है, कितना सुंदर है। यह सच है, यह सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ? यह कैसा है? छी, तीखा। यह बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो, मेरे मुंह में आओ। ए, क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है, चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई।